आपने क्या एक चीज गौर किया है? पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह जी तीनों को बदनाम किया गया है। जी हाँ, आप तो ये चीज़ जानते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा? आखिर उस सिंगर को ये सोचना चाहिए कि अक्षरा सिंह जी जो कि मुझे मौका दी है, अक्षरा सिंह जी जो कि अपने साथ वीडियो कराई, सोचना चाहिए। खेसारी लाल यादव जी जो कि फिल्मों में चांस दिए, अगर मैं गिनने लगा ना खेसारी लाल जी का, मतलब क्या क्या किए इनके लिए, लाइव आकर बोले हैं, कौन सिंगर बोलेगा, इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा सुपर स्टार आके बोलेगा कि मेरे से अच्छा गाते हैं, कभी बोलेगा कोई? तभी बोले हैं, ऐसा बोले हैं कि मेरे से सीनियर कलाकार है नीलकमल बाबू, भाई से भी बढ़ के मानते थे नीलकमल को, मेहंदी लगा के रखना, फिल्म में चांस दिए, और ये गुरु मानते थे, गुरु में लिखते थे कि खेसारी लाल यादव। वाह रे बेटा, का तू गुरु मान ल, दिखा दिल तू अपन हैसियत कि खेसारी लेखा वायरस के पैदा कह दिल हो और फसल आवाज के क्लियर करा दिल हो। बेटा जन तू कैले बार नू ओकर तार सजा भगवान देवे करिए, जे अपन गुरु के ना भलनू वो केकरो ना होई, सुन ल केकरो ना होई, और आप दिखा दिए कि कलयुग में सच में कुछ भी हो सकता है। मैं बोलूँगा आप मेरे भाई हो, पीठ पीछे जाके बोलूँगा कि आप मेरे कसाई हो, वही बात है। आपने दिखा दिया भाई कि आज के दौर पे किसी पर विश्वास करना इंसानियत मर चुकी है। बहुत सही करा है, बहुत सही करा है, ऐसे ही आगे बढ़िए, ऐसे ही आगे बढ़िए, अपना घमंड जारी रखिए, बहुत घमंडी हैं आप, बहुत बड़ा घमंडी हैं आप, नहीं तो अब तक आके माफ़ी मांग लेते, और माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता, और माफ़ी मांगने के बाद सच में आपको लोग माफ़ भी कर देते। ऐसा नहीं था कि भैया गलती हो गया माफ़ कर दीजिए, आपके छोटे भाई की तरह है, लेकिन आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपके अंदर स्टारडम का घमंड है। और एक बात याद रखना, पब्लिक के नज़र में स्टार वही है जो सब समय सही है, लेकिन आपने जो गलती करा है ना आज तक कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में किया था और ना शायद आए कोई करेगा। क्या ख्याल है भाई लोग, कमेंट करके बताओ कि गुरु का जो नहीं हुआ क्या किसी का हो सकता है? कमेंट जरूर करो, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।